सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, पिछले काफी दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज वायरल हो रही है जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक सीट कवर बनाने वाले शख्स जिसका नाम है गौरी शंकर, उसे घर की सफाई करते हुए उसके नाना का दिया हुआ 1400 साल पुराना इस्लामिक सिक्का मिला है जिसको उसने पास के ही एक मौलवी साहब को दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये सिक्का मदीना शरीफ का है क्योंकि इस पर उर्दू में मदीना शरीफ लिखा हुआ है। ये जो सिक्का है वो 500 से लेके 600 साल तक पुराना है और इसकी कोई कीमत नहीं है, इतना वैल्यूबल है। इसलिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये सिक्का मदीना शरीफ में चलने वाले कुछ सबसे पुराने सिक्कों में से एक है और इसकी कीमत करोड़ों में है। इसकी बेस प्राइस 3.5 करोड़ रुपए है और उनको इस सिक्के के लिए दुबई में रहने वाले एक शख्स ने 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया है, लेकिन वो उसे 3.5 करोड़ में बेचना चाहता है। तो दोस्तों, इस खबर में कितनी सच्चाई है और ये सिक्का क्या सच में 1400 साल पुराना है और क्या इसकी कीमत 3 करोड़ हो सकती है, तो इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें जिससे आप लोगों को इसकी सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और आप लोग आगे भी ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले नीचे दिए गए उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने हुए उस घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएं और आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाया करें। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हरियाणा के रहने वाले शख्स गौरी शंकर का यह दावा है कि ये 1400 साल पुराना एक इस्लामिक सिक्का है जो कि मौलवी साहब ने उसको इस सिक्के पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर बताया है कि ये सिक्का मदीना शरीफ का हो सकता है क्योंकि इसके एक तरफ उर्दू में मदीना शरीफ लिखा हुआ है और उसके ऊपर मदीना की पवित्र मस्जिद का चित्र बना हुआ है और सिक्के के दूसरी तरफ इसके बीच में इस्लामिक कलमा लिखा हुआ है और उसके चारों तरफ 4 खलीफाओं के नाम भी लिखे हुए हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि सिक्के को करेंसी तभी माना जा सकता है जब उस पर उसका डिनोमिनेशन यानी कि का मूल्य अंकित हो, पर इस सिक्के पर इस तरह का कोई भी शब्द नहीं लिखा है इसलिए इसे सिक्का ना मानकर एक टोकन ही माना जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिक्का रेयर नहीं हो सकता क्योंकि मुगल पीरियड में भी काफी सारे ऐसे टोकन्स हैं जो काफी रेयर हैं। तो इसके बाद बात आती है इसके 1400 साल पुराने होने की। तो जैसा कि इस सिक्के पर तस्वीर बनी हुई है मदीना की पवित्र मस्जिद मस्जिद नबवी की और उस पर गुंबद भी बना हुआ है, लेकिन ये गुंबद 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। और दूसरी बात, इस पर उर्दू में मदीना शरीफ लिखा हुआ है और उर्दू सिर्फ भारत, पाकिस्तान और उसके आसपास ही बोली जाती है और उर्दू को 1837 में सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इस हिसाब से ये सिक्का ना तो सऊदी अरब के शहर मदीना का है और ना ही ये 1400 साल पुराना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सिक्के की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, इस तरह के टोकन्स को 19वीं शताब्दी में बनाया गया था और इस तरह के टोकन आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफी प्रचलित हैं और काफी सारे लोगों के पास ऐसे टोकन्स आज भी मिल जाएंगे जिसको आज भी आप लोग ईबे जैसी वेबसाइट में 500 रुपए से 1500 रुपए के बीच में खरीद सकते हैं। और रही बात उन दावों की जिसमें इनकी कीमत 1.5 करोड़ या 3.5 करोड़ बताई जा रही है, तो वो सभी दावे बिल्कुल झूठे हैं। लगभग यहाँ पे शेख इसकी 1.5 करोड़ रुपए कीमत लगा रहे हैं। Alibaba.com पे और गूगल में सर्च किया तो इसकी कीमत लगभग $50,000 वहाँ पे आंकी गई थी। क्योंकि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि हमने अलीबाबा नाम की एक वेबसाइट पे इसकी कीमत सर्च की और वहाँ पर इसकी कीमत $50,000 आंकी गई। लेकिन दोस्तों, अगर $50,000 को भी 65 से गुणा करें तो वो बनते हैं 32,50,000 रुपए। और दूसरी बात कि ईबे और अलीबाबा जैसी वेबसाइट पे सेलर खुद अपने प्राइस को तय कर सकता है, तो ऐसा मुमकिन है कि किसी ने अपने टोकन की कीमत $50,000 रख दी हो। लेकिन जो भी है, ये सभी दावे बिल्कुल ही फेक हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई सिक्का है और आप भी उसे करोड़ों में बेचने के सपने देख रहे हैं तो आप लोगों को ये बात निराश कर सकती है क्योंकि इस सिक्के की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए ही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी जान सके सिक्के की सच्चाई के बारे में। और दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल की वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और आप ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देख
देखना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले नीचे दिए गए उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बने हुए उस घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाया करें। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नोटों और सिक्कों से जुड़ी हुई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।